राज्यसभा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट, राज्यसभा में अब नमाज के लिए ब्रेक नहीं मिलेगा। राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ ने नियम बदल दिए हैं। बता दें, संसद सत्र के दौरान शुक्रवार को नमाज पढ़ने का पहले ब्रेक होता था, आधे घंटे के ब्रेक को राज्यसभा ने अब खत्म कर दिया है। राज्यसभा में पहले लंच ब्रेक 1 से 2:30 बजे तक होता था, वह लोकसभा में लंच ब्रेक 1 से 2 बजे तक होता है। राज्यसभा में अतिरिक्त आधा घंटा अब नहीं दिया जाएगा। राज्यसभा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट, राज्यसभा में अब नमाज के लिए ब्रेक नहीं मिलेगा। राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ ने नियम बदल दिए हैं। बता दें, संसद सत्र के दौरान शुक्रवार को नमाज पढ़ने का पहले ब्रेक होता था, आधे घंटे के ब्रेक को राज्यसभा ने अब खत्म कर दिया है। राज्यसभा में पहले लंच ब्रेक 1 से 2:30 बजे तक होता था, वह लोकसभा में लंच ब्रेक 1 से 2 बजे तक होता है। राज्यसभा में अतिरिक्त आधा घंटा अब नहीं दिया जाएगा।